अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या नाम है आपका? मोहसिन। मोहसिन भाई, आप क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग फील्ड से हूँ, बेसिकली स्टूडेंट भी हूँ। आपका नाम क्या? साइमा। अच्छा, आप क्या करती हैं? मेरे पास, मैं सिंगिंग करती हूँ, मैं कहीं भी चली जाती हूँ, कमा लूँगी। मेरा नाम शहरयार, मैं जॉब कर रहा हूँ। जी सर, मेरा नाम उमर निज़ार है। जी, मैं मार्केटिंग में जॉब कर रहा हूँ, मार्केटिंग फील्ड में। कौन कॉल सेंटर है, मैं वहाँ पे वर्कआउट करता हूँ। क्या आप स्किल्स को या डिग्री किसको प्रेफर करते हैं? स्किल्स होने चाहिए, डिग्री तो हर बंदे के पास आ जाती है आजकल के दौर में। पैसे दो, डिग्री लो। मैं डेफिनेटली स्किल्स को प्रेफर करूँगा, क्योंकि देखें, अगर आप मोस्टली दुनिया में इस वक्त जितने भी बड़े लोग हैं ना, मेरे ख्याल में दुनिया में बड़ा उसी को समझा जाता है जिसके पास पैसा आजकल ज़्यादा है। तो स्किल को प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि डिग्री तो बस हर बंदे ने उठा के घूम रहा है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिली। स्किल होगा आपके पास, ये है कि आप अपना काम कर सकते हैं। आम एक बंदा है, अगर एक बंदे ने MBA किया हुआ है या उसके अलावा इसकी जो भी फील्ड होती है, उसके आम जो बंदा जो रेडी भी लगाता हो, अगर उसके अंदर स्किल्स होती हैं, तो वो पर डेज के हवाले से उससे ज़्यादा कमाएगा, क्योंकि उसके अंदर होती हैं स्किल्स होती हैं। अच्छा। तो हमारे ज़्यादा होती है बाज़ औक़ात। अगर दूसरी बात ये है कि बंदा अगर डिग्री लेता है, अच्छे नंबरों से पास होगा, तो उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आती है। अच्छी तालीम हो, बस अच्छी डिग्रीज हों। अच्छा। उसके अलावा हमारे पाकिस्तान में जो जॉब्स की कमी है, जॉब हो। वही तो कह रहा हूँ, मेरे पास स्किल भी नहीं है, वो भी नहीं, इसलिए आज यहाँ पर खड़ा हूँ। फिलहाल डिग्री भी नहीं है। आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, लीडरशिप वगैरह की, या इस तरह कौन कौन सी स्किल्स हैं? सर जी, लीडरशिप की तो मैंने तो ज़्यादा काम किया है मार्केटिंग में। ठीक है, मार्केटिंग के रिलेटेड कोई भी काम है वो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। किस टाइप के? मुझे बात करने का, हर एक बंदे से बात करने का एक लहजा पता चल जाता है कि अगला बंदा क्या कहना चाह रहा है, उससे किस टाइप से बात करनी है और किस तरह बात करनी है। एक बंदा रूडली बात कर रहा है, उससे बंदा उसको किस तरह डील करना है। हमारे बहुत से कस्टमर्स ऐसे आ जाते हैं, हाइपर कस्टमर आते हैं, अब उनको डील करना, वो उनको ऐसे तरीके से जाके डीपली जाके उनको डील किया, तो कस्टमर नरम हो जाता है। इसके तो स्किल्स मेरे अंदर ये हैं कि मैं हर एक हाइपर एक बंदे को बिल्कुल उसको नरम मलाई करवा। आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं? मेरे दोस्त मेरे बारे में कुछ अच्छा भी सोचते हैं, कुछ बुरा भी सोचते हैं, जो जिनकी जैसी सोच है वो वैसा सोचते हैं। अच्छा ही बोलते हैं। अच्छा बोलते हैं। व्यूअर्स को क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, पैगाम तो मैं यही देना चाहूँगा कि इस दौर में ना स्किल ज़रूरी है। ठीक है, डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी आप स्किल की वैल्यू है। क्यों? आपके पास कोई हुनर होगा, आप अपना कोई काम कर सकते हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी कर सकते हो। अब तो खुदा का खौफ करो। शेर हो जाए, कौन सा शेर? चले मैं एक शेर सुना देती हूँ कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। वाह, अगर तालीम के साथ आपके पास हुनर भी है तो तब कामयाब होगे। आप हमारे ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहें तो? ऑडियंस को खुश रहें भाई, एक दूसरे के साथ अच्छा रहें, प्यार बांटें, मोहब्बतें बांटें, और एक दूसरे के साथ अच्छा रहें, पॉजिटिव रहें, पीसफुल। जिंदगी है तेरे नाम, तू मेरा है प्यार, आ जावे माही वे, मैनू तेरा इंतजार। इसमें सबसे पहले यह है कि इंसान अगर जितनी मेहनत करता है ना, अगर उसके अंदर एक स्किल्स आ जाती हैं, जितनी ज़्यादा वो मेहनत करेगा उतना ज़्यादा कामयाब होगा। हम कहते हैं कि यार डिग्री ले लेते हैं, मगर उसको अगर अच्छे नंबरों से अगर पास कर लेना तो इंसान कभी मार नहीं खाता। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं इस मैटर करते हैं, ताकि ये आवाम जो भी, इनको मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर स्टडी करते हो यार, तो ऐसा दिल लगा के पढ़ो ताकि आपके अंदर इतनी एक्सपर्टीज़ भी आ जाए, और साथ साथ ये कि वो कुछ ना कुछ काम, ये नहीं है कि आप स्कूल भी पढ़ो साथ साथ, कुछ देखो नहीं, एकेडमी चले गए साथ देखो, पार्ट टाइम कोई जॉब करो, ताकि तुम्हें पता चले कि यार ओवरऑल दुनिया में क्या चल रहा है।